आज के आपके करंट अफेयर्स 20th अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हुआ क्या है कि आपके यूरोप में एक आटे की पूरी कंसाइनमेंट जो थी ना वो रोक ली गई है और बोला गया है कि आटा इंडिया से आया था, मतलब इसका जो राइस का जो ये फ्लोर बना, ठीक है, राइस के आटे का, ये इंडिया से आया था और ये इसके लिए जो क्रॉप यूज हुई है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अब ये अपने आप में प्रॉब्लमैटिक क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया में सरकार के द्वारा ना जीएम क्रॉप्स जो एडिबल क्रॉप्स हैं, जो खाने वाली चीजें हैं, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। जो एडिबल चीजें हैं ना उसमें हम जीएम क्रॉप्स नहीं यूज करते। जीएम क्रॉप्स क्या होता है, जिनके सी एक होता है कि हम नॉर्मल मॉडिफिकेशन करते हैं क्रॉप्स की जो करते रहते हैं, जैसे HOAV सीड्स हो गए, वो सब कुछ। जीएम क्रॉप्स ना उससे आगे बढ़ के है। इसमें हम क्या करते हैं, सी HOAV सीड जो हम पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हमने यूज किए थे, हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स हैं, इनमें क्या खासियत थी, इनके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डाली हुई थी, पर ओवरऑल जो इनकी डीएनए की कॉम्पोजिशन है ना वो नहीं चेंज हुई थी, वो वैसी थी। जीएम क्रॉप में क्या होता है कि हम एक तरह से पूरा डीएनए स्ट्रक्चर तक दोबारा से बना लेते हैं। हमें कोई भी पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, हम वो डीएनए में डाल सकते हैं। हमें कितने दिनों में ये क्रॉप तैयार हो जाए, वो सारी चीजें इसके अंदर इंसर्ट की जाए, मतलब जो तुम्हें क्रॉप में प्रॉपर्टी चाहिए ना तुम सब डाल सकते हो। ये इंडिया में सिर्फ अभी तक एक ही क्रॉप अलाउड है, वो एडिबल होता है, मतलब जो हम खाते हैं। एक सिर्फ नॉन एडिबल क्रॉप ही अलाउड है। कौन सी है, कॉटन। सिर्फ कॉटन इंडिया के अंदर एक जीएम क्रॉप के तौर पे अवेलेबल है। कॉटन को ना एक वॉर्म लग जाता था जिसे कहते होते हैं बॉल वॉर्म, ठीक है, पिंक बॉल वॉर्म, व्हाइट बॉल वॉर्म, ये ना बॉल वॉर्म्स की एक वैरायटी है। ये आपके कॉटन को लग जाते हैं और ये सारी कॉटन की क्रॉप खा जाते हैं। हमने क्या किया था, जीएम की एक वैरायटी बनाई जो इन बॉल वॉर्म्स को मार देती है। अगर ये उन्हें खाने की कोशिश करेंगे ना, इनके लिए उस क्रॉप के अंदर ही जहर है, इनके लिए, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हमने क्या किया, इनके जीन्स का एक उल्टा बना दिया, तो जैसे ही कंज्यूम करते हैं वो साथ ही साथ मर जाते हैं। तो हमें अलग से पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं, उसी के अंदर इसकी चीज थी। पर लॉन्ग टर्म में जीएम क्रॉप्स का इसीलिए क्रिटिसिज्म हुआ कि देखो आपकी जो नेचर है ना, नेचर चीजों में अडैप्ट कर जाती है, ठीक है, आपकी चीजों में अपने आप आपकी नेचर भी अडैप्ट कर रही है। तो जैसे ही ये बॉल वॉर्म ये सब कुछ हुआ, कुछ साल तो बहुत कामयाबी रही, पर रिसेंटली कुछ पिछले 4-5 साल से क्या हुआ है कि आपके फिर से बॉल वॉर्म्स का अटैक होने लग गया है कॉटन क्रॉप पे, और जो जीएम जो उससे मतलब प्रोटेक्टेड थी उस पे हो गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, इसीलिए कि आपके जो डीएनए है ना, डीएनए हमेशा चेंज होता रहता है। हम नेचर को हमेशा अडैप्ट करते रहते हैं, हमारे अंदर लगातार चेंजेस आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज होती रहती हैं। तो बॉल वॉर्म भी बहुत टाइम मरे होंगे, पर लॉन्ग टर्म ने उन्होंने उस केमिकल से अपने आप को अडैप्ट कर लिया। तो अब हमें फिर क्रॉप को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, तो ये तो टाइम टू टाइम फिर से चेंज करने वाली बात है। तो इस कारण आपके देखो अब दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि जीएम क्रॉप्स अच्छी हैं, एटलीस्ट जब तक काम कर रही है तुम जो चाहते हो वो डिजायरेबल रिजल्ट आएगा, और कुछ सालों बाद तो इनोवेशन करनी पड़ेगी, तो उस टाइम तक तुम जितना प्रोडक्शन चाहते हो बिना पेस्टिसाइड यूज किए तुम्हें वो एक्चुअली ऑर्गेनिक क्रॉप मिल जाएगी। और ये कोई नुकसानदायक भी नहीं है, क्योंकि नेचर भी तो ये कर ही रही है, नेचर भी तो अपने सबके जीन्स चेंज करती रहती है। तो वही चीज यहां पे हुई, जैसे एक जेनेटिक चेंज हम सब में, लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस की हाइट बढ़ी है, जो बिल्कुल अर्ली थे उनकी हाइट 3.5-4 फुट पे जाकर रुक जाती थी। जो लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस लंबे होते जा रहे हैं वो हमारे अंदर जेनेटिक चेंज आया है, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, आपकी यूरोप या अमेरिका, वहां पे तो आम चीज है 6 फुट तक पहुंचना,
साढ़े पांच फुट तो हर कोई क्रॉस कर ही जाता है, तो वो जो एवरेज हाइट ये उससे ऊपर चली गई है वो इसी कारण है क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ वैसे हुई है। ठीक है, तो ये जेनेटिक चेंजेस होते हैं, बाय नेचर होते हैं। कंजर्वेटिव्स ये कहते हैं, जो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो ये है कि हम इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम जब इसे लार्ज स्केल पे करने लग जाएंगे इन्वायरमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आपका एक ही चीज जीएम क्रॉप्स में अलाउड है, वो है कॉटन। बाकी आपके बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं कि हमें जैसे आपका इन्हें कहते थे जैसे बीटी कॉटन, बीटी का मतलब होगा कि आपका इसके अंदर कोई ना कोई बीटी का मतलब है कोई ना कोई स्ट्रेन, बीटी यानी कि डीएनए के अंदर कोई स्ट्रेन इंसर्ट किया होगा। वैसे ही आपका प्रपोजल चल रहा है कि हम बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल इन सबको भी अलाउ करें कि इन्हें ग्रो करना शुरू कर दें, पर इंडिया में इस तरीके से आपके अलाउ नहीं किया जाता। आपकी ये जो सारा का सारा प्रोसेस पड़ता है, इंडिया के अंदर किसी को पता है कि कौन परमिशन देता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, कि कौन फाइनल अप्रूवल किनका है? मैं बताता हूं, ये पूरा प्रोसेस बताता हूं। देखो, लेट्स सपोज पहले किसी कंपनी ने अपने कोई सीड तैयार किए जिसे वो मार्केट में उतारना चाहते हैं। जब भी ऐसे कोई सीड तुमने बनाए हैं जिसमें जीएम मॉडिफिकेशन हुई है ना, तुम कभी भी ये बीज डायरेक्टली मार्केट में नहीं उतार सकते। इन बीजों को सबसे पहले पहले तो कंपनी अपने खुद के टेस्ट करेगी, टेस्ट से वो बनाएगी अपनी रिपोर्ट्स के उन्हें किस तरीके के रिजल्ट मिले हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें वो सबमिट करते हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी जो इन्हें स्टडी करेगी। इंडिया के अंदर इस बॉडी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में जीईएसी, जो अब मैं सारे पॉइंट्स आपको जीईएसी के रिगार्डिंग बताने वाला हूं, ये कभी ना कभी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका इन्हें याद रखना कि आपके कौन सारे की सारी चीजें एग्जामिन करता है, जीईएसी करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये क्या करती है, देखो ये अपने खुद के कोई टेस्ट नहीं करती, इसकी एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है। ये क्या करती है, ये रिलाई करती है, ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई है ना इन्हीं के ऊपर ये रिलाई करते हैं। तो कंपनी ने जो रिपोर्ट्स पेश की हैं ये उसी के ऊपर करेंगे, प्लस अलग से पब्लिक कमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। अब जब ये अपनी कमेटी पूरी की पूरी रिसर्च कर लेती है, इसके बाद ये कमेटी देती है रिकमेंडेशन। क्या रिकमेंडेशन फाइनल अप्रूवल होता है? नहीं, रिकमेंडेशन का मतलब है सलाह दी गई है, अभी भी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ। इनकी रिकमेंडेशन जाती है ये बॉडी जिस मिनिस्ट्री के अंडर है, किसके अंडर होगी, किसके साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके पास जाती है। फाइनल अप्रूवल आता है आपके इसी के जो हेड मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट होगा, उसका फाइनल अप्रूवल होगा। ठीक है, तो इवन जीईएसी लेट्स सपोज किसी चीज को अप्रूव कर देती है कि हाँ, जैसे इन्होंने ना बीटी ब्रिंजल को अप्रूव कर दिया था कि बीटी ब्रिंजल के सीड्स अलाउ कर देते हैं कि ब्रिंजल आपका जो है उसकी जो खेती है वो जीएम क्रॉप्स के थ्रू होने लगते हैं, पर आपके अभी तक सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं आया है, इसी कारण मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस काम करता है। जीईएसी इंपॉर्टेंट बॉडी है आपके एग्जाम्स के लिए, हर सिविल सर्विसेज के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी का फंक्शन याद रखना। हाँ जी, फाइनल अप्रूवल मिनिस्टर का हुआ पर रेकमेंडेशन इनकी हुई। इनकी अगर रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो वो अप्रूव ही नहीं कर सकता।
इनकी रिकमेंडेशन आएगी तभी तो एक रिपोर्ट ये बना के सरकार के अंदर भी तो किसी को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, किसे अप्रूव करें या ना करें, करें तो किन ग्राउंड्स पे करें ना करें, तो वो जो रिपोर्ट बना के मिनिस्टर को देंगे ना वो जीईएसी है तो एक कमिटी ना, अप्रेजल कमिटी है ना, तो बस उसे चेक कर रही है। तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन बन के आ सकता। नहीं, वो इनके पास ही अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, जीएसी के पास। ठीक है, दुनिया की पहली जीएम मॉडिफाइड क्रॉप जो आई थी वो थी टोबैको, 1983 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, इसके अंदर T1 प्लाज्मिड जीन इंसर्ट किया गया था। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को T1 प्लाज्मिड से ज्वाइन किया गया था, जिससे अब कोई भी जो बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया से जो डैमेज होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया के खिलाफ उसे रेजिस्टेंट बना लिया गया था। ठीक है, अगला करंट अफेयर आज बाई चांस सुबह इकोनॉमी क्लास में भी हुआ है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके एक होम मिनिस्टर ने मीटिंग की है, आपके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर यही बात की है कि जो चाइना के हैकर्स हैं वो खासकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया के क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को डैमेज करने की, कि हम किस तरीके से इंडिया के ऊपर, जो मतलब जो चाइना है ना, अब इसे सिंपल लैंग्वेज में, चाइना कोशिश कर रहा है इंडिया के ऊपर साइबर अटैक्स करने की। साइबर अटैक्स के थ्रू वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसे डैमेज करना चाहते हैं। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, जो हमारे आपके एनर्जी के सोर्सेज हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, और आपके डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, जो आपके वो हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो सब कुछ भी इसमें आ गया। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंसेज, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेट्स सपोज डैमेज कर दे। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कुछ महीने पहले आपके मुंबई में हुआ था, सारी की सारी पावर चली गई थी, उसके पीछे चाइनीज हैकर का ही हाथ बताया गया था कि चाइना ने हैक की है आपकी वहां की पावर ग्रिड, और इसी कारण पावर उन्होंने बिल्कुल, वो क्या करते हैं हैक करके ना कंप्यूटर खराब कर देते हैं कि बंद हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी मार्केट्स और इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ऐसे टेली कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन में लेट्स सपोज इंडिया का इंटरनेट बंद कर दें, चाहे कुछ घंटे के लिए बंद हो, पर कुछ घंटे का मतलब है ना कि इंडिया में सारा ऑनलाइन बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, मतलब सारे इंडिया की, चलो बहुत बड़ी हैक करना पड़ेगा, लेट्स सपोज किसी एक स्टेट में ही हो गया, मुंबई जैसे शहरों में हो गया जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, तो अगर ऑनलाइन कंप्यूटर्स नहीं जा रहे तो यानी कि आपका फाइनेंशियल बिजनेस नहीं चल रहा, तो मुंबई में कितने करोड़ों का लॉस इतने घंटों में हो जाए। तो इस तरीके से एक दूसरे की इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश होती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से अब इनकी तरफ सरकार ध्यान देने लगी है कि किस तरीके से हम इन्हें, इन अटैक्स को कम कर सकते हैं। सी, चाइना और पाकिस्तान भी हमारे ऊपर ट्राई करता है साइबर अटैक, पर इनके साइबर अटैक्स में ना डिफरेंस है। पाकिस्तान कोशिश करता है लोगों की आइडेंटिटी चोरी करने की या ऐसी चीजों की, ठीक है, कि लोगों का डेटा चोरी किया जा सके, आइडेंटिटी चोरी की जा सके, और फिर उनकी नकली कॉपीज बना के अपने टेररिस्ट भेजे जा सके ना। तो चाइना ये सब कुछ नहीं करता, चाइना की कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से डीप रूट एक्सेस ले लें। मतलब ये क्या करते हैं, सिस्टम्स को हैक करते हैं और उस सिस्टम के कहीं अंदर अपना वायरस छोड़ के रख देते हैं, जब जरूरत होगी तब वो वायरस को एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें चाइना का वायरस ऑलरेडी हो, पर वो उसे एक्टिवेट तब करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। तो इन्हें पकड़ना इसी कारण मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने एडवांटेज में पहले ही आके बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रोकना शुरू कर दोगे, ऑब्वियसली जब रोकना शुरू किया तब तो नहीं आएंगे, पर जो पहले ही अंदर है उन्हें एक्टिवेट अगर कर दिया तो अपने आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले ऐसे एक और भी साइबर
स्पूफिंग की खबरें आई थी। स्पूफिंग पता क्या होता है? सरकार आप पे स्पूफ करती है, यानी कि सरकार आपके ऊपर नजर रख के बैठी है। प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, हमारे फोन हमारी सारी बातें ही सुन रहे होते हैं, ठीक है, वो स्पूफिंग है। तो एक ना कुछ टाइम पहले एक, अगर आप समझ सोगे, एक स्कैंडल निकल के आया था पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग। ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है कि कुछ दुनिया की सरकारें ना, उन्होंने ये पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था कि इजराइल की कंपनी है, उनसे एनएसजी करके ग्रुप है, एनएसजी ग्रुप इसराइल की कंपनी है, उनसे ये सिर्फ सरकारों को बेचते थे। उनमें से एक खरीदने वाला इंडिया भी था, ठीक है। अब पेगासस की कैपेबिलिटी क्या है कि आपका कोई भी फोन हो, ये फोन के ना बिल्कुल जो रूट होता है फोन का, ठीक है, जहां से आपका कभी फोन स्टार्ट करते हो, कई बार हैंग हो जाता है ना, फिर कहते हो रीस्टार्ट करके देख लो। रीस्टार्ट से होता क्या है, बेसिकली आपका फोन रूट से दोबारा से अपनी सेटिंग्स दोबारा से करता है। ये वहां जाके पेगासस वहां जाके बैठ जाता था। पर रूट के पास क्या कंट्रोल होता है? रूट तुम्हारे फोन में कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट या जिन गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें खरीदी थी, वो क्या कर सकते हैं, किसी के भी फोन में, अब कोई नहीं पता, मतलब रूट में ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। मैं किसी के मैसेजेस पढ़ना चाहूं, मैसेजेस पढ़ सकता हूं, कैमरा ऑन करना चाहूं, माइक ऑन करना चाहूं, कोई भी फोन के अंदर फंक्शन परफॉर्म करना है ना, किसी को कॉल मिलाना चाहूं, कुछ भी कर सकती है सरकार, ठीक है। जैसे इंडिया के स्कैंडल में एक चीज ये भी थी कि हमने कहां जाके ये चीज की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के फोन में करवा दी। तो वहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो भी अपने कैबिनेट में बैठ के बात करते, हम इंडिया में बैठ के सुन रहे, ठीक है। तो ये पेगासस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज थी इस, ठीक है। वैसे क्या होता है स्पाईवेयर ना, पहले पेगासस बहुत पुराना स्पाईवेयर है, पर ये पहले स्पाईवेयर, इसके अपडेट्स आए हैं लॉन्ग टर्म में, मतलब सरकारों को किस तरीके के अपडेट दिए गए हैं। पहले होता है, एक चीज बोली जाती है ना कि व्हाट्सएप पे कोई भी रैंडमली इमेज आए, जब कुछ भी आए, लिंक आए, क्लिक मत करो। उसका एक कारण है कि ये तभी ऐसी चीजें ना आपके फोन में डाउनलोड होती है, मतलब जैसे वो कई बार वो व्हाट्सएप पे वही मैसेज भेज देते गुड मॉर्निंग वो फ्लावर वाला, ठीक है। अगर तुमने वो डाउनलोड कर ली ना इमेज, वो इमेज की फाइल के साथ ही ये चीजें जुड़ी होती है, वो आपके फोन में आ जाती है। तो अगर तुम नहीं अगर अवॉइड कर सकते हो डाउनलोड करना, तो मत करो, यही होता है। तो लास्ट वर्जन जो निकल के आया ना, ये आज तक का हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्पाईवेयर था। स्पाईवेयर नाम से क्लियर है, जासूसी करके देता है। ये क्या करते हैं, इन्हें कहते हैं जीरो क्लिक अटैक्स। अब पहले क्या होता था कि अगर प्रिकॉशन के लिए कि अगर तुम फाइल्स नहीं डाउनलोड करोगे तुम्हारे फोन में नहीं आएगा। जीरो क्लिक अटैक का मतलब होता है, कभी यही वर्ड आ जाए कि जीरो क्लिक अटैक क्या होता है। जीरो क्लिक का मतलब कुछ नहीं दबाया, अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे बस हेलो भेजी या बस आपको व्हाट्सएप पे कॉल मिला के काट दी, रिसीव हुई, उस रिसेप्शन के अंदर ही स्पाईवेयर होगा, तो उसी से ही डाउनलोड हो जाएगा आपको। मतलब आपको बस हेलो भी भेजिए ना, उसके अंदर भी स्पाईवेयर डाल सकते हैं। तो हर तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें, हर फोन हैक करके दिखा दिया, मतलब कुछ भी सरकार के कंट्रोल के बाहर नहीं था। क्रिटिसिज्म सरकार का, इंडिया की सरकार का, इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने अपने खुद के मिनिस्टर्स के फोन में भी ये इंस्टॉल करवाया था, ऑपोजिशन के लीडर्स के फोन में भी इंस्टॉल करवाया हुआ था। तो यानी कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि अगर ऑपोजिशन की सारी बातें जानते हो, तुम तो पहले ही अपना डिफेंस तैयार करके बैठे हो। फोन तो हम हर जगह कैरी करते हैं ना, और कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कहीं पे भी फोन ऑन, मतलब कैमरा ऑन हो सकता है, माइक ऑन हो सकता है, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर चीज के मैसेजेस उनके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से इन्हें कहते हैं स्पूफिंग। ये वर्ड यूज होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है निगरानी रखना, जासूसी करना, ठीक है। तो सरकार स्पूफ करती है, उसका मतलब होगा सरकार आपके ऊपर नजर रख के बैठी है, ठीक है। इंडिया भी करता है ऑब्वियसली, हम ऐसे तो नहीं है कि इतने शरीफ है।
जैसे सी हर कंट्री कुछ ना कुछ करती है, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करवाता है, ये सब कुछ करवाता है, तुम पाकिस्तान के कभी न्यूज सुनना, वो बेचारों को बुरा हाल करके रखा पड़ा है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये सारी चीज की फंडिंग RNAW दे रहा है, रॉ जिसे हम कहते हैं, वो फंडिंग दे रहा है। कराची शहर में माफिया का कंट्रोल है, पुलिस वाले शरेआम किडनैप हो जाते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में टेररिज्म है, उसे RNAW सपोर्ट, इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हर जगह तो हम है, उनका तो पूरा देश ही हमने इस चीज में फंसा के रखा पड़ा। अब तालिबान का राज वापस अफगानिस्तान में आ गया है, तो एक और तालिबान भी है जिसे कहते हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर भी एक तालिबान है, TTP शॉर्ट में, तरीके तालिबान पाकिस्तान। उसका भी अब पाकिस्तान कहता है कि TTP को भी जो हथियार सप्लाई करता है ना, वो इंडिया करता है, क्योंकि TTP यही काम करता है कि कहीं पे उनके आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, उड़ा दिया, ठीक है, शरेआम उनके ऑफिसर्स किडनैप हो जाते हैं, वैसे काम करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक कुछ ऐसे एरियाज रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में ना एक इलाका है वजीरिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही, जैसे हमारे पंजाब गुजरात ये सारे एरिया है ना उनके, वैसे वहां वजीरिस्तान है। वजीरिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं था, TTP का कंट्रोल था। पाकिस्तान ने लिटरली पता नहीं कितनी एक पूरी वॉर लड़ी है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल, आज भी पूरा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत कंट्रोल पाने के लिए। और अब दोबारा अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, वजीरिस्तान में फिर से TTP स्ट्रांग हो रही है। ये तो तभी क्लियर हो गया था जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया, उससे अगला जो एक पूरा हफ्ता था पाकिस्तान के 5 बॉर्डर गार्ड्स मार दिए गए TTP ने, तो वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान घुसना शुरू हो गया, ठीक है। तालिबान टेररिस्ट है ना, ग्रुप है पूरा, तो उन्होंने वहां की सरकार को गिरा दिया, खुद कब्जा कर लिया, ठीक है। अगला जो आपका करंट अफेयर है, एक और क्वाड फोरम बन रहा है, किन 4 देशों में, इंडिया, इजराइल, UAE और US। ये एक बहुत ही यूनिक चीज है, ये ना एक पहली बात तो ये इकोनॉमिक फोरम होने वाला है। इकोनॉमिक फोरम का मतलब है हम एक दूसरे के देश में ना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और हमारी इकोनॉमीज को एक दूसरे से ज्यादा बेटर लिंक करना चाहते हैं। अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, फोरम का मतलब होता है अभी बातें शुरू हुई हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की इकोनॉमीज को ज्यादा बेटर कर सके, यानी कि एक चीज जिस चीज को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि सारी दुनिया एक दूसरे से ट्रेड में जुड़ रही है, तो ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है, सारी दुनिया एक दूसरे से ग्लोबलाइजेशन में जुड़ रही है, कि कोई चीज थोड़ी सी इंडिया में बनती है, थोड़ी इसराइल में बनती है, आपस में सारी मार्केट्स में बिकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी इकोनॉमी चलती होती है। ये एक इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमी की बातें होने वाली है, और ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में 2 कंट्रीज के कारण, इसराइल और UAE। ऐसा क्यों? देखो लास्ट ईयर तक ना, लास्ट ईयर आपके इसराइल के लिए ना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो इसराइल देश है, इसराइल में आपके कौन सा धर्म माना जाता है? जुडाइज्म, ठीक है, इनका रिलीजियस सिंबल ना ऐसे स्टार जैसा दिखता है, ये इनका रिलीजियस सिंबल, ठीक है। इसी कारण हम कहते हैं कि इसराइल के अंदर ना रहते हैं जूस, जो जुडाइज्म को मानते हैं उन्हें जूस कहते होते हैं, ठीक है। आपके अगर इसराइल की लोकेशन आप दुनिया में देखोगे ना, इसराइल एक छोटा सा देश है, इसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये जो सारे के सारे पड़ोसी हैं, ये सारे कौन से देश हैं? जहां पे इस्लाम है। अब ये जो जूज और मतलब जुडाइज्म फॉलो करने वाले और इस्लाम फॉलो करने वाले हैं ना, इनकी बनती नहीं है, ठीक है। इसके ना बनने का कारण दो कारण है इसके। एक तो ना, जब आपकी अगर मैं एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, बहुत पुरानी बात करूं, आपके जो जूस होते होते थे ना, ये एक टाइम पे गुलाम होते थे,
ये एक टाइम पे गुलामों का धर्म होता था और गुलाम होते थे, इजिप्ट में इन्हें गुलाम रखा गया था, आज जो जॉर्डन, मतलब ये सारे जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, यहाँ पे ये गुलाम होते थे। हुआ क्या, यही जूस थे एक्चुअली जिन्हें वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ना हिटलर ने जर्मनी में जिन्हें मारा था, जर्मनी में उसने एक, कहते हैं ना, एक एपिसोड हुआ था, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट क्या होता है कि हिटलर ने, हिटलर पॉलिटिक्स में आया कैसे जर्मनी की, हिटलर ना एक आम सिपाही था, पर हिटलर के पास एक पावर थी, वो ना स्पीच बहुत अच्छी देता था, इतनी जोश से स्पीच देता था कि लोग इंप्रेस हो जाते थे उससे। उसने अपनी स्पीच का एक बेसिस रखा सी, अगर तुम एक पॉपुलर लीडर बनना चाहते हो ना, पॉपुलर लीडर बनने के लिए जरूरी है कि लोगों में किस चीज का गुस्सा है वो पहचानो, और किसी के ऊपर उसका सारा मटका फोड़ दो कि इनकी गलती है, और अगर मुझे चुनोगे मैं सही हूं, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सही कर दूंगा, ठीक है। तो आपके हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर वन हार गया था जर्मनी, वर्ल्ड वॉर वन हारने के बाद ना इकोनॉमिक हालत खराब थी, दुनिया में बदनामी हो गई थी, उसका सारा का सारा ब्लेम डाल दिया क्योंकि ये जूस ने हमें धोखा दिया, ये जो कम्युनिटी है उन्होंने कहा इन्होंने हमें धोखा दिया। इसीलिए जब वो वर्ल्ड वॉर टू से पहले, मतलब जब वो अपनी पावर में आ गया था, हिटलर ने पूरी जर्मनी के ऊपर एज अपना कंट्रोल बना लिया था, उसने क्या किया, सारे जूस को ना हर घर से उठवाना शुरू कर दिया, और उन सबको आपके कैंप्स बनाए गए थे स्पेशल, जहां पे उन्हें मारा जाता था, वहां पे भेजा जाता, वहां पे उसने गैस चेंबर बनाए हुए थे, यानी कि एक टाइम पे अंदर कमरे के अंदर 100 जू भरे जाते, जहरीली गैस छोड़ दी जाती, सब मर गए, उनकी लाशें उठाओ बाहर फेंको, अगले 100 को लेके। उसने कहा कि मैं सारी पॉपुलेशन का सफाया कर दूंगा जूस का, वो इस मिशन पे लग गया था। और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते होते तक, हॉलोकास्ट इसे क्यों बोला जाता है, आपके अराउंड 50 लाख के करीब जूस मारे थे उसने इस तरीके से, ठीक है, कईयों को गोली से मार दिया, कईयों को गैस से मार दिया। ये बहुत ही डार्क हिस्ट्री है आपकी जूस की, ये वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वर्ल्ड वॉर टू पढ़ेंगे तब ये सब कुछ आएगा, हॉलोकास्ट क्या होता है, पर कई बार वर्ड सुनोगे हॉलोकास्ट तो इस चीज को रेफर किया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू जीतने वाली जो कंट्रीज थी ना, यूएसए, आपके यूके, इन सबके मन में ना बहुत ज्यादा सिंपथी थी आपके जूस को लेके। इन्होंने क्या किया कि देखो, आज जो आपका मिडल ईस्ट है ना, ये सारा मिडल ईस्ट का इलाका, जो आपके सीरिया का इलाका, इवन सीरिया, लेबनन, जॉर्डन, ये जितने भी देश हैं, इराक तक, ये सारे ये ना यूके के कंट्रोल में थे पहले। इन्होंने क्या किया कि हम आपको ना यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने टेरिटरी काटी, इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम जो जूस है ना, हम आपको एक अलग देश ही दे देते हैं, आप अपना खुद का देश बना लो और आप यहाँ पे रहो और अपने आप को सेटल करो। यहीं पे फाउंडेशन आई इसराइल की। पर अब यहाँ पे इश्यू क्या था, ये ओरिजिनली ये सारा एरिया था तो उन लोगों का ना जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन लोगों को एक तो ये मंजूर नहीं था कि हमारे नेबरहुड में एक धक्के से देश बना दिया गया है, क्योंकि यहां पे भी आपके मुसलमान ही रहते थे ओरिजिनली। उन मुसलमानों को बोला गया कि आपको ना इसी के अंदर एक अलग देश छोटा सा और बना देते हैं, जिसे हम कहेंगे पैलेस्टाइन, एक और देश बनना था यहां पे पैलेस्टाइन, ठीक है। तो सारे मुस्लिम इस साइड आ जाए पैलेस्टाइन में, सारे जूस इसराइल में चले गए, तो इस तरीके से यहां पे हम उन्हें सेटल कर दिया। इन दोनों की कैपिटल बननी थी एक कॉमन शहर, जो तीन रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर है, जेरूसलम। जेरूसलम तीन धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहां पे हुआ, क्रिश्चियनिटी यहां से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद जूस के लिए शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मतलब जो वो मानते हैं ना कि अब्राहम ने उन्हें एक लैंड प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक जमीन दूंगा रहने के लिए, जब उन्हें गुलामी से, मतलब उनकी एक पूरी स्टोरी है कि जब उन्हें गुलामी से आजाद करवाया, उनके भगवान ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक जमीन देता हूं। वो जो जमीन दी थी वो यही थी, इसराइल वाली और जेरूसलम की।
और तीसरा आपके इस्लाम के लिए, इस्लाम का ना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है, बाकी दोनों के लिए तो सबसे टॉप पे है, इस्लाम के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है। यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि यहां से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत गए थे, तो वहां पे एक पूरी मस्जिद बनी हुई है इसी चीज की स्टोरी के ऊपर। तो तीनों शहरों के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपके जेरूसलम का कंट्रोल, आधा आधा जेरूसलम बांट दिया गया था पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में, पर पैलेस्टाइन तो एक इस्लामिक देश था, आसपास सारे इस्लामिक देश हैं, इन सबको मंजूर ही नहीं था कि हम एक यहां पे जूस का गुलामों का देश बनने दे सकते। इन्होंने तीन बारी इसराइल पे सबने मिलके हमले किए कि इसराइल देश ही खत्म कर देना, बड़ी से बड़ी आर्मियों ने इन्वेड किया। इसराइल का दुनिया में इसलिए नाम माना जाता है, इन्होंने एक साथ सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, मतलब सबसे बड़ी तीन देशों ने एक मिलके, इतना सा देश है ये, तीन देशों ने मिलके इसके ऊपर हमला किया था, इसराइल ने तीनों को हरा दिया। ठीक है, और भी मतलब तीन बार लड़ाई लड़ने कोशिश की है, इसराइल कभी नहीं हारा, इसराइल ने बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा दिया, इस कारण दुनिया में इनका नाम है। उसके बाद पर अब प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल ने ना बाद में ये पैलेस्टाइन के सारे एरिया पे ही कब्जा कर लिया, कि हमने यही नहीं रहने देना, ये मुसीबत की जड़ है ना, पैलेस्टाइन देश ही नहीं अब एग्जिस्ट करता। इसके कारण ना ये सारे इस्लामिक देश इससे बहुत ज्यादा नाराज, तो कोई भी इस्लामिक देश इसराइल से ना रिश्ते नहीं बनाता था लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर चीज बदली है, इससे पहले क्या होता था, इवन जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई इसराइल नाम का देश है, तो कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन इसराइल नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पाकिस्तान के ना पासपोर्ट के पहले पेज पे लिखा होता है नॉट वैलिड इन इसराइल, इसराइल को वो क्योंकि मान्यता नहीं देते, तो इसराइल में उनका पासपोर्ट भी नहीं चलता। ठीक है, ये सारी इस्लामिक कंट्रीज में ऐसे था कि उनका पासपोर्ट वहां नहीं चलता। लास्ट ईयर ये चीज बदली है, लास्ट ईयर सबसे पहले इसराइल को ना किसी मुस्लिम देश ने रिकॉग्निशन दी है, तो वो आपका यूएई है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें से एक हिस्सा दुबई है। ये एक देश नहीं एक्चुअली अपने आप में, ये सात है, सात छोटे छोटे ना किंगडम्स हैं ये, एमिरेट का मतलब होता है किंगडम, इन सात किंगडम्स ने मिलके अपने इंटरनेशनल रिलेशन और एक कॉमन सरकार भी बना ली है, इसलिए इन्हें यूएई कह देते हैं। जैसे लोग जो घूमने जाते हैं, आपने दो तीन जगहें आपने सुनी होंगी, अबू धाबी सुना होगा, ठीक है, दुबई सुना होगा, ठीक है, शारजा अगर सुना है या नहीं सुना, ये कुछ टेरिटरी, मतलब ये अलग अलग किंगडम्स हैं, ये सेम नहीं है। दुबई के अंदर कानून अलग गए, अबू धाबी के अंदर कानून अलग गए, ये अलग अलग, इंटरनेशनल इनका झंडा एक है। तो पूरे इसराइल ने लास्ट ईयर सबसे पहले मान्यता दी इसराइल को, इसके बाद बाकी देश थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे सऊदी अरेबिया ने भी इसके बाद दे दी, ठीक है, अभी तक इन्होंने दी है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्होंने रिकॉग्निशन दे दी है। तो पहली बार इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ पॉजिटिव हुआ जब यूएई आया। तो अब जब ये क्वाड बन रहा है, एक इकोनॉमिक फोरम बन रहा है, इसमें सॉरी बहरान ने, सॉरी कतर ने नहीं, बहरान ने, ठीक है, तो ये जो आपके एक पॉजिटिव इकोनॉमिक फोरम बन रहा है, इसके अंदर यूएई, इंडिया, यूएसए और इसराइल, ये चार देश है ना, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो इसराइल एक छोटा सा देश जरूर है, पर इसराइल दुनिया में इतनी हिम्मत क्यों दिखाता है, उसके पीछे ना सपोर्ट है अमेरिका की। हर वॉर में अमेरिका ने उसे हथियार प्रोवाइड किए, सपोर्ट प्रोवाइड किए। दुनिया में इसराइल बहुत ही चीजें शरेआम करता है, जैसे अगर उसका कोई भी दुश्मन है ना, इनकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है मोसाड, दुनिया डरती है इनकी सीक्रेट एजेंसी से। ये एक्चुअली वो लोग हैं, मतलब हमारी तो मूवीज में डायलॉग होता है घर पे घुस के मारेंगे, एक्चुअली वो लोग हैं जो घर पे घुस के मारते भी हैं। सारी दुनिया में जो जो इनके दुश्मन है ना, सब मारे हैं इन्होंने, बहुत ही खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। जैसे हमारी RNAW है, उनकी मोसाड है, तो मोसाड की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसलिए अमेरिका एक तरह से उसके एक बैकिंग में आ रहा है कि आपके उसका रुतबा और स्ट्रॉन्ग हो इसराइल का, ठीक है, वो यहां से दिखता है। क्लियर है? देखो धीरे धीरे
दुनिया में ना इसराइल का रुतबा बढ़ता जा रहा है। इसराइल दुनिया का स्टार्टअप कंट्री है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप किसी देश में आ रहे हैं ना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेके, वो इसराइल है। और इसराइल की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है ना, जिस तकनीक वहां पे जिस हिसाब से विकसित हो रही है, सारी दुनिया को टेक्नोलॉजी चाहिए तो इसराइल से तो तुम्हें रिश्ते बनाने ही पड़ेंगे, तो इस कारण। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, अगला हमारा करंट अफेयर है सर्विसेज का एक्सपोर्ट 240 बिलियन क्रॉस कर जाएगा इस साल। देखो इंडिया में आपके एक्सपोर्ट्स मतलब तीन इंडस्ट्रीज हम मानते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी जहां से रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में जहां पे भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, कोई चीज बन रही होगी, वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर होता है आपका सर्विसेज। इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कमाई करके देता है इंडिया ओवरऑल भी। हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आती है। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इंप्लॉयमेंट सिर्फ 18% लोगों को देता है हमारी पॉपुलेशन। तो एक्चुअली ज्यादातर लोग हमारे जैसे, मतलब इससे बिल्कुल उल्टी फिगर है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की 18% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, अब तो खैर 15 रह गई है और भी कम होगी, और उसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारी 55% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो एक तरह से यहीं पे इंडिया की इनइक्वालिटी दिखती है। 55% सिर्फ 15% पैसा कमा रहे हैं, दूसरी साइड पे 18% लोग 60% पैसा कमा रहे हैं। इसके अंदर भी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है सर्विस के अंदर, वो है आपकी आईटी की इंडस्ट्री। ठीक है, खासकर जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हो गए ना, देखो सर्विस के एक्सपोर्ट्स शिपिंग से जो सर्विस है वो शिपिंग से थोड़ी भेज सकते हो, कोई शिप्स थोड़ी जा रही है किसी कंट्री को लेके, ये तो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो ना तुम। तो इंडिया के जो ये एक्सपोर्ट्स हैं, सर्विस एक्सपोर्ट्स, इन्हें एक और नाम से बोला जाता है, कभी आपको पेपर में आ जाए, इन्हें कहते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखता नहीं है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट तो है ना, लेट्स सपोज मैं इंडिया में बैठ के इंडिया के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, कुछ भी काम कर रहा हूं, और मैं अमेरिका के किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, पैसा इंडिया आया ना, मैं तो इंडिया में ही हूं और मैंने वहां से, तो एक तरह से कोई भी एक्सपोर्ट का काम यही होता है कि इंडिया से सामान भेजा, डॉलर में कमाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज यहां पे भी हो रही है, पर एक्चुअली हमारे देश छोड़ के कुछ भी नहीं गया, इनविजिबली कोई चीज गई है, मतलब कोई शिप नहीं गई पर वो चीज वहां पहुंच गई और हमें पैसा आ गया, तो इन्हें इनविजिबल एक्सपोर्ट भी कहते हैं। क्लियर है, कोई भी डाउट इस चीज पे? तो हमारी आईटी मतलब पूरा इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, 2030 तक हमें उम्मीद है कि 1 ट्रिलियन सर्विस सेक्टर ही कमाएगा। ठीक है, तो काफी पोटेंशियल है इंडस्ट्री में, और आने वाले टाइम पे सबसे हाई पेइंग जॉब्स भी यहीं पे हैं, तभी तो आईटी सेक्टर इतना बूम कर रहा है। ठीक है, तो इसी कारण ये टूरिज्म भी तो इसी का हिस्सा बनेगा, जितना इंडिया में टूरिस्ट आएगा वो भी तो एक तरह से सर्विस एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट हर चीज होती है जिससे डॉलर की कमाई हो। अगर कोई टूरिस्ट इंडिया आया है, उसने एक्चुअली डॉलर आके पे किए और रुपी लिए है ना, रुपी खर्च रहा है ना वो इंडिया में, और डॉलर दे के ही रुपी मिले होंगे उसे। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट पे इंडिया की सरकार का कोई बंदा वेट कर रहा है कि ये लो आपका पार्सल, सबको बराबर पैसे बांटेंगे। ठीक है, उनके पैसों को कन्वर्ट करके दे रहे हैं ना, वो भी तो एक तरह से एक्सपोर्ट है। तो ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपकी एक सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो आजकल थोड़े क्रिटिसिज्म में है, क्योंकि आपकी पूरे इंडिया में पावर प्लांट्स के अंदर फ्यूल शॉर्टेज चल रही है। जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, देखो थर्मल पावर को बनने के लिए, थर्मल एनर्जी को चलने के लिए कोल चाहिए। कोल पूरे इंडिया में कम पड़ा हुआ है इस टाइम, जो थर्मल पावर प्लांट्स को जितना कोल चाहिए उतना है नहीं,
है क्यों नहीं, क्योंकि पीछे से नहीं आ रहा, मतलब ये सप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। जितनी इंडिया सी, इंडिया के अंदर बिजली की डिमांड बढ़ गई है पर उतनी हमारी अभी सप्लाई नहीं बढ़ी, ठीक है। तो इस कारण आपके इसी कारण ना जगह जगह पर इंडिया में बिजली के कट्स लग रहे हैं। अगर आप रूरल एरिया में कहीं पे रह रहे हो तो आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बड़े बड़े कट्स भी लग रहे हैं, छोटे छोटे दो दो तीन तीन घंटे के कट्स तो आम कर दिए गए हैं। उसका कारण ही ये है कि आपके कोल है नहीं सरकार के पास। तो कोल इंडिया लिमिटेड अब क्या करने लगा है, सबसे पहले ये टेम्पररी, बाकी कहीं पे भी आपके किसी और इंडस्ट्री को भी जैसे कोल चाहिए ना, वहां पे कोल सप्लाई करना सारा बंद कर रहे हैं और सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स को ही कोल सारा डाइवर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि सबसे पहले बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसके बाद बाकी सारी चीजों पर फोकस करेंगे। तो इससे हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कोल इंडिया लिमिटेड। ये सरकार की अपनी खुद की ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये इंडिया के लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है और एक महारत्न का इसे स्टेटस मिला हुआ है। ये सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उन्हें स्टेटस देती है, ये डिपेंड करके वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितना मतलब प्रॉफिट कमाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, टर्नओवर कितना और प्रॉफिट कितना उसके अकॉर्डिंग। पर ओरिजिनली अगर मैं बताऊं, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ओरिजिनली ये जो था ना, ये ओरिजिनली प्राइवेट कंपनी थी जब इंडिपेंडेंस आई है इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के टाइम ये कोल इंडिया प्राइवेट कंपनी थी। 1956 में हमने इसे सरकारी बना दिया और तब से ये सरकार के कंट्रोल में है। अच्छा, इंडिया में माइनिंग, कोल माइनिंग की चलो जैसे लगाते हैं, माइनिंग क्या सिर्फ कोल माइनिंग सिर्फ सरकारी कंपनियां करती हैं? अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, कोल माइनिंग इज ओनली डन बाय गवर्नमेंट, हाँ ये गलत है, पर ये कुछ साल पहले से ही स्टेटमेंट थी। ये 2017 तक आपके कोल सिर्फ सरकारी कंपनियां ही निकालती, जो माइनिंग है ना वो सरकारी कंपनियां ही उसकी कोल की माइनिंग करती थी। पर 2017 के बाद प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया है, उन्हें भी माइंस अलॉट की जा रही हैं और वो अब अपनी खुद की माइंस का काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और उसका ये क्लियर सिंबल है कि जो माइंस भी हैं वो भी हम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो